अगर आपको एकदम खिली खिली कुरकुरे और क्रिस्पी आपको जो है साबूदाना की खिचड़ी चाहिए तो ये रेसिपी ज़रूर बनाना, आपको इतना पसंद आएगा एकदम क्रिस्पी एंड कुरकुरे साबूदाना की खिचड़ी, तो ज़रूर ये बनाइएगा। मैं एकदम नए अलग अंदाज से बना रही हूँ, तो आप इस खिचड़ी को रेसिपी ज़रूर देखना और मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 से 5 आलू लिया था और इसको मैंने देखी कितने पतले पतले जो है स्लाइसेस में फिंगर के आकार में मैंने इसको कट कर लिया है, एकदम पतले पतले स्लाइस में इसको हमें करना है फ्राई। और यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना, साबूदाना मैंने जो है एक कटोरी छोटी कटोरी से मैंने लिया था, इसको मैंने भिगा दिया तो ये थोड़ा सा 2 गुना हो गया है। और ये देखिए एकदम बढ़िया खिला खिला साबूदाना अच्छे से भीग चुका है, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 10 ग्राम के करीब मूंगफली और मखाना मिक्स लिया है, क्योंकि मखाना भी मैं डालने वाली हूँ, मखाने से और एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो ये भुना हुआ मूंगफली मखाना है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड नहीं करना मुझे, बस ऐसे एकदम हल्का सा ऐसे दरदरा सा कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। बस इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और एकदम आज हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं साबूदाना की खिचड़ी। आप एक बार बनाएंगे तो आप ज़रूर बार बार इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीतल की कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है ढेर सारा, इसलिए डाल दिया है क्योंकि मैंने इसमें हमको आलू को फ्राई करना है। तो बस आलू को एकदम हाई फ्लेम पे इसको जो है फ्राई कर लेना है एकदम क्रिस्पी होने तक, ताकि एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाए। अगर आपको कुरकुरे एंड क्रिस्पी साबूदाना की खिचड़ी खानी है तो आप ज़रूर एक बार मेरे तरीके से बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पे आलू को एकदम फ्राई कर लिया है, एकदम चिप्स की तरह, जैसे चिप्स नहीं होता एकदम वैसे चिप्स की तरह मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको हम छान के निकाल लेंगे, उसके बाद हम दूसरा डाल देंगे। तो बस इसको हाई फ्लेम पे ही पका लेंगे क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है चिप्स की तरह। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, देखिए कितना, आप ऐसे ही नमक डाल कर खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगेगा। तो चलिए हम साबूदाने में जब तक हम सामग्री मिला लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने मूंगफली जो है डाल दिया है, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना धनिया जीरा पिसा हुआ और 1/2 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च कुटा हुआ, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दिया है और बस इसको हमें मिक्स कर लेना है। इसको हमें मिक्स जो है पहले से ही कर लेना है, नहीं तो अगर हम कढ़ाई में पहले साबूदाना को डालेंगे ना तो वो एकदम चिपक जाएगा, इसलिए खिला खिला आपका साबूदाना खिचड़ी नहीं बनेगा। तो आप ज़रूर पहले उसको पहले से मिक्स कर लो, तब उसके बाद कढ़ाई में डालो। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा खड़ा मूंगफली डाल दिया ताकि और क्रिस्पी बन जाए। और यहाँ पे मैंने 1/2 नींबू लिया है, 1/2 नींबू को मैंने जो है निचोड़ लिया है, ताकि जो है हम फलाहारी व्रत का खाना बना रहे हैं तो एकदम बढ़िया खट्टे खट्टे में स्वाद आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नींबू डाल दिए ताकि बढ़िया से अच्छा सा फ्लेवर आए। और ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है आलू का, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। और इसके बाद ये जो सारा आप तेल देख रहे हो, तो ये देखिए कितना खुरखुरा खुरखुरा सा, और ये जो आप सारा तेल देख रहे हो इसको मैं यूज करने वाली नहीं हूँ, सारा तेल मैं निकाल दूँगी। देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब तेल को छोड़ा है और इसमें 1/2 चम्मच जीरे का तड़का, 1/2 चम्मच यहाँ ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है, 1 हरी मिर्च मैंने छोटे छोटे कट करके डाल दिया है। और देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी तेल नहीं है, बस वही आलू फ्राई करते समय जो तेल लगा होगा लगा होगा, बाकी हम बिना तेल के एकदम साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे। इसके बाद ये जो मैंने मिक्स किया था साबूदाना मूंगफली ये सब मैंने मिक्स किया था, अब मैं डाल दूँगी और डाल के इसको जो है गैस की फ्लेम को डिम कर देना है, इसको ढक के मुझे 4 से 5 मिनट तक साबूदाना को पका लेना है ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए एकदम पक चुका है और एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी जो है वो नहीं, बस एकाग दो है, वो भी अभी हम इस स्पैचुला की मदद से इसको अलग कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है, थोड़ी सी धनिया थी हमने डाल दिया, धनिया आप भरपूर डाल देना, उसके बाद स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल दिए हैं। और अब हम लास्ट में डालते हैं आलू, एकदम क्रिस्पी आलू। तो ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी एकदम करारी सी क्रिस्पी सी कुरकुरे सी साबूदाना की खिचड़ी बनके हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस वही आलू फ्राई करने में जो लगा होगा 5 से 6 मिनट, बाकी जो है साबूदाना की खिचड़ी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो ये देखिए मेरी करारी सी क्रिस्पी सी बनके रेडी हो गई है, अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
तो बस ये रहा मेरा साबूदाना खिचड़ी। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये गर्मा गर्म बनाओ और गर्मा गर्म खाओ, तभी स्वाद आता है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये रही मेरी रेसिपी, आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे लेकर आती रहूँ न्यू रेसिपी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।